नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज दूसरे दिन में, वियतनाम के टूर का दूसरा दिन जो हम लोग ने नवंबर में किया था। बट नॉर्मल रफ वीडियोस तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, बट अभी प्रॉपर पूरा दिन का एक्टिविटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जस्ट जनरल पिक्स हैं। जब हम होटल से निकले तो लोग कैसे थे, मॉर्निंग में कैसे थे। और ये रोड की बात मैं कल कर रहा था आपसे कि यहाँ पे एक रोड है जो काफी रहती है। यहाँ पे बस स्टैंड भी आप देखेंगे तो नॉर्मल ये मोहल्ले टाइप का बस स्टैंड था, बट काफी अच्छा उन्होंने बना के रखा था। और ये रोड है पूरा जो मैंने बोला था कि काफी करीबन आधा किलोमीटर शायद है उतनी लंबी, और पूरे वो छोटे छोटे रहते हैं ना संगमरमर के टुकड़े, उनसे बनाई हुई पूरी वो है काला। तो काफी अच्छा है और काफी फेमस रोड है, लोग इसको देखते हैं। और ये काफी अच्छा पैस दिखता है आपको जब रहते हैं। और ये मैंने बस स्टैंड देखा था, कल मैं आपको बात कर रहा था कि हर जगह सफाई थी, सब कुछ था, बट ये पहली बार देखा जहाँ पे काफी मतलब अपना अपनापन महसूस हुआ मुंबई वाला कि बस स्टैंड पे गंदगी आपको दिख जाएगी। आप ये देख सकते हो भीड़ भी सेम थी जो मुंबई में हमें फील होती है, गाड़ियां खड़ी, लोग खड़े हुए। हाँ मुंबई जितना भीड़ नहीं था, बट सेम जैसे यहाँ से स्टेशन के पास देखो आप, यहाँ पे देखो कचरा पड़ा हुआ है, ये थोड़ी सी अपनापन लगा। आप ये देख सकते हो कि ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2010 में इन्होंने किया था, उससे 1819 या 1800 से लेके था। और ड्रैगन और ये काफी इनका पूरा जैसे कल भी आपको बताया था कि कछुए ड्रैगन इनके हिसाब से ये इनका रहता है पूरा, और उनको ये बहुत बड़ा मानते हैं। बट इको आवाज रखो क्या? नहीं, ऐसी आवाज नॉर्मल अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी इको रहती तो और अच्छी लगती है। पता नहीं किसी ने फीडबैक नहीं दिया, अब क्या करो, आपको सहना पड़ेगा। तो ये पूरा मार्केट है और हम लोग उस दिन निकले थे तो हमारी बस जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप मुंबई के हो तो ईस्टर्न वेस्टर्न में दिख जाएगा। और साथ में ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सुबह सुबह लेडीज आके ही उनका रेस्टोरेंट खोलती है, मतलब सुबह 6 बजे से वो अपने काम धंधे में लग जाती है। जेंट्स आपको बहुत कम दिखेंगे बट ठीक है, बट डेफिनेटली दो किसी भी फैमिली को चलाने के लिए दोनों को ही करना पड़ता है। बट यहाँ पे लेडीज काफी काम करते हुए एक्टिव दिखी मार्केट में, या हो सकता है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे वो ज्यादा रहती हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आपको ऐसी काफी हनोई कैसे कैपिटल है तो आपको काफी बड़ी बड़ी सिटीज भी मिल जाएंगी, मतलब बिल्डिंग्स मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। और अच्छा था, दूसरा दिन काफी अच्छा रहा, मौसम बहुत अच्छा था और सुबह एक्चुअली बादल था तो बस में भी उतनी गर्मी हमें नहीं लग रही थी। और सेकेंड डे हम लोग एक्चुअली बहुत ही फेमस जगह है वहाँ पे गए थे। और उससे पहले मैं उस फेमस जगह के नाम बताने से पहले आपको ये सर केवल थोड़ा सा मारोश सिटी जो आप देख सकते हैं, क्योंकि सिटी आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है तो आप वो कर सकते हैं। और जैसा हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना है कि जब वो कहीं भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहाँ की जो सबसे फेमस चीज है जो हमारी कंट्री में नहीं है वो हमेशा विजिट करते हैं। नॉर्मली जैसे अगर किसी कंट्री में गए और वहाँ पर पता चला, जापान गए वहाँ पता चला कि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छे हैं, वो भी विजिटेड, वो उसमें लाइन में हो ना हो उनके स्केड्यूल में, लेकिन वो अगर पता चले तो वो जाते हैं। और ये हमने कई जगहों पर सुना है, इंटरनल मे बी आप जो भी लें, लेकिन ये अच्छी बात है अगर वो करते होंगे। कोई भी बंदा जो अथॉरिटी अगर वो वैसा करता है किसी भी सिटी की अच्छी चीज को उठा के अपने यहाँ मिला ले तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन है तो अगर कहीं पे कोई चीज अच्छी हो रही है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको लेके बढ़िए। ये ब्रिज है तो काफी बड़ा ब्रिज था, बट साथ में उसके पैरेलल उसको और चौड़ा करने के लिए लोग काफी चीजें कर रहे थे। जैसे कल ही मैंने बता दिया था कि जो हनोई है वो कैपिटल है वियतनाम की, वियतनाम एशियन कंट्री है जो कि पहले साउथ ईस्ट एशियंस या चाइनीज या फ्रेंच के साथ इन्फ्लुएंस है काफी, उनका इनके कल्चर पे काफी फर्क प्रभाव पड़ता है कुछ पार्ट है। इवन कई बार ऐसे भी है कि
यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे टेम्पल हैं, खेत आप देखेंगे तो केले के खेत काफी मिल जाते हैं। और साथ में ये चीज तो सबसे अजीब थी, छोटी छोटी बाइक पे बहुत बड़े बड़े सामान लेके लोग निकलते हैं। ये एक एओन मॉल था वहाँ पे, काफी बड़ा मॉल लगा, हम लोग उसके अंदर तो नहीं गए बट अच्छा दिखा मुझे। तो कल जैसा आपको मैंने कल का वीडियो अगर आपको देखना आप देख सकते हैं, ये हम लोग जा रहे थे तो रोड के किनारे नर्सरी थी, नर्सरी के साथ में ये नेचुरल पत्थर है जो रखे हुए थे हर नर्सरी के सामने, ये सब पूरे बड़े बड़े पूरा का पूरा एक सिंगल पत्थर है नेचुरल, और वो भी बेचते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। और एक अच्छी बात हमें पता चली वहाँ पे, अच्छी बात तो नहीं कह सकते बट जैसे आप अगर इंडिया में हैं तो आपको पता है कि हिंदूज में जलाते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में क्रिमेशन डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे रीजनल मतलब रिलीजन वाइज कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उनके घर में कैसा चला आ रहा है। अगर उनके घर में जलाने की प्रथा है तो वो लोग जलाते हैं, अगर उनके घर में दफनाने की चीज चल रही है कि जमीन में गाड़ देना मरने के बाद, तो वो लोग उसको जमीन में कर देते हैं। और जमीन में ऐसा नहीं कि इनका कोई पर्टिकुलर प्लेसेस होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है शमशान में जलाया जाता है और कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, इनके यहाँ वैसा नहीं है। इनके यहाँ जहाँ इनको, जैसे इनकी खुद की खेत है, अभी आपको खेत में भी दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खेत अगर उनका है और वहां पे उनके करना है। ये पूरे देखिए अभी जो सामने दिख रहा है ना दूर ब्लैक कलर का, ये पूरा वही है वहां पे दफनाए हुए लोग हैं। तो रोई का वो बात था कि ये सब रोड से हम लोग जा रहे थे तब का था। तो और साथ में ये हमें लेके गए थे कि स्कल्पचर वाली जगह पे, काफी ब्यूटीफुल प्लेस थी और वहां पे ये होटल्स हैं, फाइव स्टार होटल्स आप कह सकते हैं, सेवन स्टार होटल्स। जब हम जाते हैं ना हॉलोंग बे, और हाँ मैं आपको ये बताता हूँ हॉलोंग बे जा रहे हैं सेकंड डे, जो कि काफी फेमस है और आपने कई जगह पे पिक्चरों में भी देखा होगा, जो कि आप हनोई में ही है और इसके बारे में आप बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, विकिपीडिया में भी आपको मिल जाएगा। और ये एक्चुअली यूनेस्को की एक साइट है जिसपे कहा गया है हॉलोंग बे, ये हॉलोंग बे जाने से पहले जहाँ पे स्कल्पचर बने हुए थे काफी, और ये काफी प्यारे बने हुए थे, काफी अच्छे, आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, और ये पूरे पत्थर के मार्बल्स के और सिंगल पत्थर रहते हैं, सभी नहीं कि जोड़ जोड़ के, ये पूरा पत्थर, ये पूरा आप देखिए पूरा कटिंग करके, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये लोग भेजते हैं। आप तो वहां पे जाके ऑर्डर कर दो, ये आपके घर में ऑल ओवर द वर्ल्ड में पैकिंग करके आपके घर पे आ जाएगा। और काफी क्रिएटिव था, मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत ही क्रिएटिव था और देख के अच्छा लगा था, हम सबको अच्छा लगा था। और ये साथ में लेडीज यहाँ पे ये पूरे ड्राइंग बनाती है, शुरू में हमें ये लगा था कि बहुत अच्छा, ये पूरे धागे से रोक करती है, उनके सामने फोटो रहती है, सेम फोटो की पिक्चर बनाती रहती है। और
और इन्होंने यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले लगाया कि देखो आपके सामने वो लाइव बना रही है। बट एक चीज मैंने जो रियलाइज की कि जो लेडी जो पिक्चर बनाती है ना वो उसी को बनाती है जो मुझे लगा, क्योंकि आप उनको अपनी फोटो दे दीजिए कि भाई इसमें बना दो, ये वाली मुझे इस टाइप का बनाना नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि वो एक फोटो पे प्रैक्टिस कर लेती है और डिस्प्ले के लिए हमें वो दिखाती। ये मेरा थॉट है, मैं पूरे दिन नहीं था बट एक घंटे में मुझे वही समझा क्योंकि, और दूसरा आप उनको बोलो कुछ तो वो दिखाते हैं कि उनको पता नहीं है बट दे नो इंग्लिश, या फिर गांव में की लड़कियां होती हैं तो उनको नहीं पता हो, बट आप देख लो कितना क्लियर है, सेम फोटो जैसा वो पूरा धागे से बना हुआ हाथ का है। बट यस, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि सेम वो बना रहे हैं धागे से और काफी अच्छा कर रहे हैं, पूरा ग्रुप ही बैठा रहता है वहां पे। यहाँ पे कपड़े भी थे, काफी थे, स्कल्पचर थे, काफी चीजें थी जो बस के टाइम पे हमारे रोक दी थी और हम लोग ऑन द वे यहाँ पे गए थे। साथ में हम जब वहां जा रहे थे तो हमने एक और मैंने वीडियो नहीं निकाली उसकी, लेकिन वहां पे मोती बेच रहे थे और वो काफी अच्छे मोती थे, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट गाइड ने मतलब आप अगर किसी टूर से जाओगे तो वो लोग शायद आपको जरूर वहां पे रोकते होंगे, वहां पे नाश्ते की सुविधा भी रहती है, आप स्नैक्स खाना चाहते हो खा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है ये पूरा था, और ये आप ढूंढ भी सकते हो, इसमें लास्ट में अभी नाम भी दिया हुआ है, लाइक ये लिखा हुआ है काई थाम थांगबा, तो थांगबा जाने के टाइम पे आपको मिल जाता है ये। तो अच्छा है, सेकेंड डे भी अच्छा था हमारा, लेकिन ये डिस्टेंस मतलब हालोंग बे जाने का डिस्टेंस काफी लंबा है सिटी से, हनोई सिटी से, तो आपको बस से ही 3-4 घंटे की जर्नी करनी पड़ती है, पर ठीक है आपको फर्क नहीं पड़ता अगर आपके साथ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप मजे कर रहे हो। सॉरी थोड़ा लेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो आपको काफी अच्छा लगता था। ये देखिए शुरू क्या एरिया, और जैसा कल ही मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे लोकल्स नहीं है, आपको केवल टूरिस्ट लोग ही मिलेंगे, बाकी जो लोकल मिलेंगे वो वर्कर या काम करने वाले ही मिलेंगे या सिक्योरिटी से या जो क्लर्क पे मिलेंगे, सब लोकल मिल जाएंगे, बाकी ट्रैवलिंग करने के लिए आपको लोकल नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्लेस पे जा रहे हो वहाँ पे लोकल पब्लिक भी और टूरिस्ट भी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ये इन्होंने मालूम नहीं कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि पुलिस खड़ी रहती है या वो वीजा चेक कर रही है या हमारा पासपोर्ट देख रही है, नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट लोकल मुझे नहीं दिखती। ये उनका टोल नाका है, काफी अच्छा लगा मुझे, क्रिएटिव था लेकिन टोल नाका था, और ये हमारे जाते समय पड़ता है। हालोंग बे की मैं यही बता रहा था आपको कि नॉर्थ ईस्ट वियतनाम में पड़ता है ये, और यहाँ पे एमराल्ड वाटर एंड थाउजेंड टावरिंग लाइमस्टोन आइलैंड है, रेन फॉरेस्ट के टाइम रेन फॉरेस्ट में टावरिंग लाइमस्टोन आइलैंड है। जंगो टूर्स एंड सी कायक एक्सपीडिशंस टेक विजिटर्स पास आइलैंड नेम फॉर देयर शेप्स इंक्लूडिंग स्टोन डॉग, स्टोन डॉग को मैं आपको दिखाऊंगा, एंड डीप वॉटर आइसलैंड वो नहीं देखा था मुझे याद नहीं मुझे, और लेकिन मैंने फाइटिंग कॉक देखा था, तो आपको लगेगा कि वो मुर्गी खड़े दो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा था। और ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे इन्होंने सन वर्ल्ड करके प्राइवेट कंपनी है जिसने पूरा अम्यूजमेंट पार्क बनाया हुआ, ये फिलहाल बंद था बट इसमें जो केबल कार है वो करीबन 200 लोगों की कैपेसिटी की, यहाँ से ये नाइट्रो चालू होता है, और यहाँ पे नहीं है, ये एक दूसरा आइलैंड है इसके पास में जिसका वीडियो आपको आगे दिखेगा, वहां तक वो लेके जाता है ये केबल कार पूरी। ये देखिए यहाँ पे सन वर्ल्ड है, ये सन वर्ल्ड है, और मालूम नहीं कि उस समय बंद था और शायद हमारे पैकेज में था नहीं या क्या था, लेकिन मुझे बाकी बंद ही दिखा क्योंकि अंदर कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, सब कुछ बंद था। ये आपको जो दिख रहे हैं लोकल वो वियतनामीज नहीं थे, वो साउथ कोरिया के लोग थे, मतलब हम लोग को मिले वो लोग, तो कई साउथ कोरिया से भी काफी ट्रिप आया हुआ था, चाइना से भी ट्रिप आया हुआ था, और ये बाकी ये देखिए केबल कार है यहाँ पे, ये 200 लोगों की कैपेसिटी की केबल कार है, एक केबल कार 200 लोगों को एक बार में लेके जाती है और लेके आती है उधर से। तो ये सनबर्ड आपको जब हालोंग बे जाते हैं तो आपको मिलता है, और हालोंग बे ऐसा है कि पूरे दिन की एक्टिविटी एक्चुअली पूरे दिन की एक्टिविटी ये पूरा सनवर्ल्ड कर रही है, तो हालोंग बे में आप पूरा एक दिन बिता सकते हैं आराम से, लेकिन कैसा रहता है कि आप हाफ डे बहुत रहता है, क्रूज से आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे एक केव है
आपको केव वो लोग दिखाते हैं, साथ में आप वहाँ पे जो करना चाहो काफी देर तक, और क्रूज में आपको खाना मिलेगा, मतलब हमें तो खाना वहीं पे मिल गया था क्रूज में। ये हमारा गाइड है, छोटा मोटा था, जिसका हम लोग गाना भी गा रहे थे, नन्ना मन हराई देश का सिपाही, चलो मेरे संग जय जय जय। तो ये छोटा सा था हमारा सिपाही जो आगे बढ़ के हमें सब गाइड किया जा रहा था। और हॉलंग बे के बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ पे करीबन 1600 आइलैंड है, जो कि आइलैंड एंड आइसलेट है, जो कि मतलब काफी घर अच्छे लगते हैं और मोस्टली लाइमस्टोन के पिलर के जैसे हैं, और इनका जो ओरिजिनल नेचर है ला, तो उसके कारण ही आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और चक्कर ये भी है ना कि ये इस टाइप के पूरे आइलैंड है ना, जिसमें केव मिलती है लाइमस्टोन के हैं, उसके कारण कैसा है कि यहाँ पे ह्यूमन भी नहीं रह पाते, ये छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। तो आप नॉर्मली जैसे आप भाई हमारे यहाँ हिमालय है, तो यही बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय बहुत बड़ा है, वहां पे लोग रहते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कैसे ये छोटे छोटे आइलैंड, ये सनबर्ड का वहां पे व्हील है, जहाँ पे आप ये सनबर्ड का मैं बता रहा था ना उससे पहले की, तो ये आप इस टापू से वहां पे वो आपको केबल कार आपको वहां तक लेके चली जाती है उस टापू के ऊपर तक, वहां पे पूरे और भी उनके एक्टिविटी हैं। और ये पूरा जो एरिया है सी के किनारे का, पूरा ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ बसाया हुआ है, लोकल पब्लिक कोई भी नहीं है, केवल होटल्स रिसोर्ट रहने के लिए गेस्ट हाउस वो ही है बस, और वो भी पूरा गवर्नमेंट के थ्रू किया हुआ, इसमें कोई इंटरफेरेंस लोकल का नहीं होता है। ये पूरे बीचेस क्रूज है, ये क्रूज केवल टूरिस्ट के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और जो मैं आपको पहाड़ के आइलैंड के बारे में बता रहा था, जैसे हमारे हिमालय में लोग रहते हैं, ह्यूमन प्रेजेंस है ही नहीं आइलैंड पे, इसीलिए शायद ये आइलैंड आज भी बचे हुए हैं, नहीं तो ह्यूमन प्रेजेंस रहता तो रोज थोड़े थोड़े टुकड़े तोड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, खराब भी कर डाला होता हमने, बट यहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस न होने के कारण ये और ज्यादा अच्छा है। तो आप आगे देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं, ये हमारा क्रूज था जहाँ पे सलमान खान मिरान टी शर्ट पहने हुए, और ये क्रूज था हमारा जहाँ पे एक कपल ही था, कपल तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक लेडी थी और एक जेंट था जो चला रहा था, ये लेडी का मैं मानना पड़ेगा कि पूरा खाना इन्होंने ही बनाया था, सर्व ये कर रही थी, इनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट इसको क्या दिया है जो एक्स्ट्रा, मतलब जो फूड मेनू में नहीं था वो उनको याद था, लिख के रखा था कि हाँ किसी ने थम्स अप लिया, किसी ने कोक लिया, किसी ने बियर लिया, तो उनको टेबल वाइज वो याद था कि हाँ यहाँ पे दिया था हमने लास्ट में, क्योंकि उसको ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी, मतलब हिंदी तो आएगी ना ऑब्वियसली, बट हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी हमको। फिर भी ये देखिए, ये हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लगता है, आपको ये ब्रिज दिखेगा, शांत वातावरण रहता है, पानी की आवाज, हवा की आवाज बहुत ज्यादा थी, ये खाने का मैंने देखा और अच्छा खाना दिया था, उसी समय बना के रखा हुआ था, हाँ लिमिटेड था, ये था कुछ लोगों को शायद कुछ चीजें और एक्स्ट्रा चाहिए थी बट वो मिली नहीं, बट मैं इतना कहूंगा कि हाँ आप टूरिस्ट प्लेस में हैं तो उतना इंतजाम भी उसने काफी अच्छा करके रखा था, आप कह नहीं सकते कि उसने कम दिया था। हाँ कई चीजें उसने बना दी थी जो हमें पसंद नहीं आ रही थी, चिकन के कुछ पीस थे जो हमारी आदत नहीं है, जैसे हम इंडियंस को फ्राई और कल चाहिए, लेकिन वो उबला हुआ था तो उसका टेस्ट अलग ही लग रहा था। फिश अच्छी बनाई थी इन्होंने, प्रॉन्स अच्छे बनाए थे, और ऑयल इनका अलग ही रहता है तो वो टेस्ट भी अलग आता है, वो भी होता है काफी। लेकिन अब ये देखिए हमारा आइलैंड शुरू हो चुका है, काफी बिल्डिंग है, राइज है, बिल्डिंग बना रहे हैं अभी, बट वो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, बट जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें ये लोग मेंटेन रखेंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा अर्निंग का यही है, ये पूरा हॉन्ग पूरा एरिया है हालोंग में। इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद वीडियोस ही देखते रहिए।
अच्छा ये हॉलोंग बे जो बोला ना, तो आप इसको बंगाल की खाड़ी जैसे हमारे बोलते हैं, तो वैसे ही है, हॉलोंग की खाड़ी है। और यूनेस्को ने इसको एक विश्व धरोहर जैसा एक स्थान दे दिया है, हेरिटेज जैसा। और इसमें ये पूरे चूने के पत्थर, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, विकिपीडिया का स्रोत है, तब तक आप देख भी सकते हो, तब तक मैं आपको सुना भी देता हूँ। खाड़ी में विभिन्न आकृति और आकारों में हजारों चूना पत्थर के और टापू हैं। हॉलोंग बे एक बड़े जोन का केंद्र, जिसमें उत्तर पूर्व में बाई तू लॉन्ग खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में कैटबा द्वीप शामिल है। ये बड़े क्षेत्र एक समान भूवैज्ञानिक, भौगोलिक तथा भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु और सांस्कृतिक मूल्यों की साझा करते हैं। ऐसी हिंदी बहुत कम लोगों को समझेगी, बट ठीक है, गूगल की हिंदी भाई, हमारी जनरल भाषा की हिंदी थोड़ी ना। और अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो इसका 1994 में पहले बार इनको पता चला था, नहीं पहली बार में 1817 दिए थे, 2000 दिए थे भाई मुझे भी, और कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, भूगोल क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1960 से लेकर 2000 तक के टापू हैं, जिनमें अधिकांशतः चूना पत्थर के बने हुए हैं। साथ ही ये 1553 किलोमीटर का एरिया, यानी 600 वर्ग मील का एरिया है, 1553 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये देख सकते हैं कि ये बीच मतलब मुझे दिखा था, और ये मेरी कैमरा है, मैंने स्टिक नहीं ले गया था इस टाइम, नहीं तो हाथ से खींचता हूँ जूम करता हूँ तो मुझे था, ये P900 निकॉन का है, जो काफी दूर तक जूम करके आपको दिखाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये पूरे लाइम के स्टोन है, सॉरी पत्थर है, पहाड़ है, और क्या है, और पढ़ के आपको क्या बताऊं। अच्छा ये भी मुझे भी पता चला, जैसा मैंने आपको बताया था ना, करीबन 2000 द्वीप में, 2000 में से 1900 में से 40 में ही केवल लोग थोड़े बहुत रहते हैं। ये दशियों से लेकर हजारों हेक्टेयर आकार के हैं, जो मुख्यतः खाड़ी के पूर्व और दक्षिण पूर्व स्थित में। हाल के दशकों में हजारों ग्रामीण प्राचीन द्वीपों पर बसने लगे हैं, और सात और द्वीप थॉलोई द्वीप जैसे नए समुदायों का निर्माण करने लगे हैं। हॉलोंग की आबादी में लगभग 15,440 है। अच्छा आबादी के, ये देखिए ये है फाइटिंग कॉक, मैंने आपको बताया ना, ये फाइटिंग कॉक रॉक है, और उसके नीचे एक बैठा हुआ था भाई साहब, वो मछली का इंतजार कर रहे थे ना, फिर ये आप दूर से देखो तो लगता है फाइटिंग कॉक है, आपस में लड़ना है, तो इसका नाम दिया हुआ है, बट ठीक है आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो। और ये धीरे 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 खिस रहा है, ये पता नहीं कितने सालों से है, और ये आप देख सकते हो कि पत्थर कैसे हैं, रोज पानी टकराता है, बट ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ये धीरे धीरे कटता चला गया है, लेकिन फिर भी उस पर टिका हुआ है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी है, आपको वो दूर एक रॉक दिख रहा है छोटा सा, अभी पास भी जाएगा, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ये रॉक की बात कर रहा हूँ जिसके जिसको मैंने जूम किया है अभी, और ये एक्चुअली उनकी करेंसी पे भी है, और मैंने उसके स्नैपशॉट भी लिए थे, उनकी करेंसी पे भी है, मुझे अभी उनका उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आए तो प्लीज बताइएगा, और आप मेंशन भी कर सकते हैं। ये देखिए फोटो है, मनी आइलैंड कहते हैं इसको, मनी आइलैंड। सो इस और ये के मनी पे, ये देखिए आपके 2000
थाउजेंड का है ना, 2 लाख का, 2 लाख का इनका है जिस पे ये मनी आइलैंड बना हुआ है। और साथ में ये देखिए क्रूज पे भी लेडीज मुझे दिखी थी और जेंट्स भी थे। और इनके जो आइलैंड्स हैं उसमें ऐसे मुझे बड़ी बड़ी केव्स मिलते हैं। इवन एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखेंगे हमें केव्स में जाते हैं, बट वो केव इतना बड़ा था एक्चुअली कैमरे में वो फील कहते हैं ना वो आ ही नहीं रहा था। जब आप उसके अंदर जा रहे थे, गए हम लोग, बहुत बड़ा था, करीबन आप बोल दीजिए कि 6-7 मंजिला बिल्डिंग उसके अंदर आ जाएगी, इतना बड़ा था। और उसमें तो पूरे अलग ही टाइप का, कैसे बना है क्या बना है, डिफरेंट ही था वो केव। और ये मनी आइलैंड जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी पूरे लोग थे साथ में, लेकिन मैंने उसके लिए अलग ही मेरा दूसरा चैनल जिसमें डालता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये किल टूर्स एंड ट्रेवल्स का मेरा चैनल है जिसपे ये मनी आइलैंड, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये फ्लोटिंग विलेज कहा जाता है यहाँ पे। ये सब एक दो सीन मूवीज में भी हो चुके हैं कि उस केव से स्टीमर निकली फॉरेन की, ये फ्लोटिंग विलेज है, यहाँ पे लोग आके सामान भी बेचते हैं और रहते हैं वहाँ पे। और ये काफी लंबी जर्नी थी, आप मतलब इंजॉय करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेचर को देख के कि नेचर कैसा है। ये पूरी लेडीज दिखी थी हमें जो काफी अच्छा फोटो खींच रही थी, मतलब मैंने आपको बोला ना कि वहाँ पे ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी मुझे, इनकी ड्रेसेस काफी अच्छी थी। आप ये पूरा ग्रुप ही था मुझे लग रहा है, कलरफुल पहनते एकदम, ये पोज दे रही हैं आप देख सकते हैं, सॉरी बट चश्मे भी सही है। कभी कभी ऐसे कैमरे का फायदे दे आते हैं क्योंकि जो चीजें आप आंखों से नहीं देख पाते आपको कैमरे से दिख जाती है। ये सनसेट हो रहा था, वो शाम की बात है, पर ठीक है इस टाइम पे तो फिर भी काफी उजाला था, और जब हम इनमें लौटे हैं तो काफी सनसेट हो रहा था। ये डॉग रॉक है जो डॉग जैसा दिखता है पूरा, आप देख सकते हैं कि रॉक पूरा डॉग जैसा दिखता है, अच्छा था। और ये भी है कि आप एक चीज इमेजिन करो आप उसको दिख जाओ, बट इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो दिख भी रहा है आपको, दिखा होगा कि वो कैसा दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिखा तो वापस वीडियो को पीछे ले जाइए और आप उसको क्लोज करके देख सकते हैं कि क्या है। प्लस साथ में आप देखो केव्स हैं, मैंने वही बोला कि इस पूरे आइलैंड में आपको काफी केव्स मिल जाती है। और ये जो केव्स में हम लोग एट द एंड गए थे, काफी बड़ी केव्स थी और पहले ये टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं की थी, फिर उन्होंने समझा कि नहीं काफी अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर रूट बनाया कि ऐसा ना हो कि टूरिस्ट अंदर आए और इधर उधर कहीं भी जाके फोटो खींचे खड़े रहे, किसी चीज को खराब कर दें, क्योंकि वो नेचुरल है। तो उसके लिए उन्होंने पूरा प्रॉपर रास्ता ही बना दिया, छोटा छोटा पत्थरों से ही बनाया है, नेचुरल पत्थर यूज किए हैं कुछ भी, और थोड़ी लाइटिंग कर दी है केबल वेबल करके, तो वो काफी अच्छा मेंटेन कर दिया है उसको, तो वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ज्यादा बताने लायक नहीं है, वीडियो लंबा है, अगर आप चाहो तो इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कल भी बोला था कि मैं पूरे वीडियोस अपने नेचुरल अपनी यादों के लिए रखता हूँ, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप गए हो, ये एट द एंड ऑफ द जर्नी है, जर्नी की एंडिंग नहीं है, ये हम एंड में आ गए हैं मोलोंग बे के, यहाँ पे हम केव्स में एंटर करते हैं। और मैं उल्टी साइड में अभी वहां पे खड़ा होकर कुछ फोटोज निकाले थे मैंने, तो ये हम गए थे, यहाँ पे भी उन्होंने बना के रखा है केव्स में जाने का, साथ में इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पूरा है बैंक हाउस, तो आप वहाँ पे जाओगे तो अच्छा लगेगा, बट हकीकत है हनोई में ये दो चीजें, जैसा कल यूनिवर्सिटी गए थे आज हम लोग हॉलोंग बे हैं, तो ये चीजें देखने लायक हैं और देखनी भी चाहिए।
मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर इंडिया में ये होता तो हम इंडियंस को कैसे रोक पाते कि नहीं केवल टूरिस्ट के लिए अलाउड रहेगा, ऐसा हो पाता है? हो पाएगा क्या? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में मैंने देखा था, मैं गया था वहां पे, लोग देखने के लिए रोडों पे बैठ गया और जब उठे तो पूरा कचरा पड़ा हुआ था। और ये देखिए, देखिए ये कैमरे में आपको उतना पता नहीं चला होगा, बट आपको कई वीडियोस में आपको लोग भी दिखेंगे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी केव्स है। ये थोड़ा लाइट कम रहता है और कैमरे का कहते हैं ना, हमें कई सेटिंग्स पता नहीं थी तो वो सेटिंग चेंज करें। ये देखिए आपके सामने अभी फ्लैश में लिया मैंने लाइट, आदमी कितने छोटे दिख रहे हैं, ये पूरा बहुत बड़ा है। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं कि कितने छोटे आदमी, और ये पूरा उन्होंने बाथरूम बना दिया, पूरा बहुत बड़ा है। और अच्छा लगता है आपको डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां, पानी की जैसे गिरी हुई है, पानी गिरता है तो उसके कारण फिर रॉक जैसा बन जाता है धीरे धीरे, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वहां से पानी टपकता था पहले, धीरे धीरे वो रॉक भी पानी की बूंद जैसी ही बन चुकी है, तो वो चीजें अच्छी थी। और ज्यादा एक्सप्लेन करने का इसमें है कुछ नहीं, लेकिन ये खुद को मतलब फील होने वाली बात है, मैं कैमरे में आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ। ये एहसास, ये जो हमने वहां पे देखा वो हमने फील किया कि नेचर बहुत बड़ा है, हम बहुत नीचे हैं उसके, बहुत छोटे हैं। तो हम जो इंसानों को अभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत छोटे हैं नेचर के आगे। और ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो नेचर बना हुआ केव्स है, बट आप कुछ भी उठा के देख लीजिए हम क्या है, कुछ नहीं है। तो हम सबको अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। यादों में अगर देखा जाए, मेरी फिलोसफी है कि दो ही चीजें साथ में जाती हैं, एक तो आपकी यादें जाती हैं, मरने के बाद तो वो भी नहीं रहती, बट मरते समय आपको वो यादें तो आती हैं। साथ में खाए पिया जो भी आप खाते हो वही रहता है, तो अच्छा खाओ लेकिन स्वस्थ खाओ, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खाओ लेकिन स्वस्थ खाओ। यहाँ पे तो देखा ही हम लोग नमक डालते नहीं, कुछ नहीं डालते, और उनके आप फिजिक नेचुरल फिजिक देख लो कितना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं खाने का असर बहुत पड़ता है। केव्स थी आपको कैमरे में, ये हकीकत में मतलब सही में दिल से बोल रहा हूँ, ये कैमरे में वो फीलिंग आप ले नहीं सकते जो हमने यहाँ पे फील किया था, और सबको ऑसम लगा था कि ये क्या है। और हमारे कैमरे से तो नहीं कर सकते, हाँ कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि वो लोग दिखाते हैं, वो तो अलग ही एंगल से ऑब्वियसली फोटोग्राफर होते हैं, वो उस एंगल को पकड़ पाते हैं, उस एंगल को देख पाते हैं, हाँ, जो उस एंगल को हम नहीं देख पाए। ये बोल रहा था, मैं बोला ना पानी के जैसा लगता था, ये पूरा हाथ हिल गया मेरा, बट वो पानी जैसा ऐसा लगता, हाँ पानी का नहीं, पूरा संख जैसा, या आप बोल सकते हैं फिश, जेली फिश जैसे उड़ती है, तो वैसा बना हुआ था वो। तो पूरे वीडियोस हैं लेकिन ये उतना अच्छा नहीं पता चलेगा। Thank you.
सनसेट का व्यू मिला था। ये पूरा वीडियो है जिसमें सन कैसे जा रहा है अंदर, कितना दिख रहा है होलन बे का। तो आप होलन बे का इस सनसेट का मतलब पूरा व्यू आपको मिल जाता है। ये पूरा है और इस कैमरे की खास ये बात है कि जितना क्लोज जाते हैं तो उस कलर को उठाता है। जितना मैं क्लोज जाऊंगा सूरज के, क्योंकि रेड है, रात का टाइम है, ये पूरा रेड को ही कलर उठा लेता है। ये बहुत अच्छी बात है। खासकर मैंने वाराणसी में कुछ सनराइज के वीडियोस या फोटोज निकाले थे तो ऑटोमेटिकली रेड कर देता है, तो वो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देना एक अलग ही अच्छी बात होती है। आप ये पूरा सन देख सकते हो, अभी पूरा दिख रहा है और विद इन अ मिनट कैसे वो खत्म होगा वो भी आपको दिखेगा। और ये यहीं पे होगा, आपको लगेगा कि नहीं अभी समुद्र के अंदर जाएगा, नहीं ये ऊंचाई पे ही यहीं पे खत्म होता है। ये तब तक शाम का है, आप देखो ऐसा लगता है कि जैसे शेडो बना हुआ, नहीं वो डिफरेंट डिफरेंट जो आइलैंड है उनके वो पीछे एक दूसरे के दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने है, ऐसा नहीं। यहाँ हिल गया मेरा और तो ये अच्छा, काफी अच्छा अनुभव था होलन बे जाने का। अगर आप वियतनाम जाएं तो जरूर होलन बे जाएं, हनोई जाएं तो, और जाएंगे जब आप वहां जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आप सन सेट भी देख सको। देखो सनराइज तो नहीं दिखेगा क्योंकि उल्टी साइड में, बट सनसेट आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप सनसेट जरूर कोशिश करना कि दिख सके। और नॉर्मली बोट का टाइम वैसे ही रहता है, तो हम लोग करीबन 12-1 बजे के करीब निकले थे यहाँ से, तो बोट के टाइम पे हम लोग वहाँ से गए थे तो उतना नहीं दिख रहा था, लेकिन अच्छा हुआ था कि हम जब वापस आए तो हम ऊपर डेक के चल रहे हैं और ऊपर जाके हमने सनसेट को देखा। ये देखिए यहीं पे अस्त हो रहा है, यहीं पे डूब रहा है सूरज, ये नीचे नहीं है, ये ऊपर ही हो रहा है। और आपको विद इन अ मिनट, मेरा हाथ हिल रहा है थोड़ा क्योंकि जैसे जूम करो तो वो अपने एंगल को भूल जाता है, इसलिए मैंने वापस अनज़ूम करके वापस उसको किया है। तो थोड़ा दूर से मैं ले रहा हूँ, आपके सामने पूरा सनसेट को, सन को जाते हुए सूरज को बाय बाय आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें थी, तो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज बताइएगा। और अनप्रिपेयर्ड वीडियो है, मैंने जैसे पहले बोला मोस्टली मैं वीडियोस अपने स्टोरेज अपनी मेमोरी के लिए बनाता हूँ, तो जो भी मुझे यादें थी और थोड़ा बहुत विकिपीडिया से मैंने रेफरेंस लिए जो आपको बता सकूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो ये आपका रॉ वीडियोस है पूरे, नो एडिटिंग, सब कुछ प्योर। और इनके ओरिजिनल वीडियोस भी डाले हुए हैं, ये तो अभी स्टोरी के साथ मैं पूरे दिन की एक्टिविटी को दिखा रहा हूँ, बट हर वीडियो का अपना एक पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली डाला हुआ है नेचुरल शेप में, नेचुरल ऑडियो के साथ। सो सब में म्यूजिक डाली, प्राइवेट बातें भी रहती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो हमने डाल दिया। और ये देखिए गुड बाय सन्स, सूरज चाचू बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपके सजेशन इंपॉर्टेंट है कि मैं और सीख सकूँ और देख सकूँ। थैंक यू, आप सबका दिन शुभ हो, जय हिंद।